नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वो एकता कपूर के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा करण ने कार्तिक के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूँ हमारा कोलैबोरेशन मजबूत होता जाए और हम बड़े पर्दे पर जादू बिखेरते रहें। दरअसल कार्तिक आर्यन का जन्मदिन था और इसी की खास मौके पर करण ने उन्हें खुशखबरी दी। फिल्म का डायरेक्शन संदीप मोदी करेंगे। फिल्म 15 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन ने एक्टर कार्तिक आर्यन को फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दोनों में कई सालों से बात बंद थी। विवाद की जड़ के बारे में बात करें तो दोस्ताना 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अचानक करण ने कार्तिक को फिल्म से निकाल दिया। करण ने उन्हें अनप्रोफेशनल एक्टर बोलकर फीस गलत तरह से बढ़ाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। उस समय एक्ट्रेस कंगना रानौत कार्तिक के सपोर्ट में उतरी थी। कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना 2 का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया था, जो करीब 20 दिन का था। धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से सूत्रों ने बताया था कि कार्तिक आर्यन तारीखें नहीं दे रहे थे और स्क्रिप्ट में कमियां भी निकाल रहे थे। चूंकि तब फिल्म की कास्टिंग फिर से होने का ऐलान किया गया था, इसके अलावा फिल्म की शूटिंग फिर शुरू होने की बात कही गई थी। ऐसे में धर्मा प्रोडक्शन को करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही गई थी। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस के चलते हमने फैसला लिया है कि दोस्ताना 2 की कास्टिंग फिर से करेंगे, जिसके डायरेक्टर कॉलिन डी कुन्हा होंगे। कृपया ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, कार्तिक अपने दम पर यहां तक पहुंचा है और आगे भी वह अपने ही दम पर जाएगा। पापा जो और उनकी नेपो गैंग से केवल यही अपील है कि उसे अकेला छोड़ दो, सुशांत की तरह उसके पीछे मत पड़ो और उसे फांसी लगाने के लिए मजबूर मत करो। उसे अकेला छोड़ दो गिद्धो, दफा हो जाओ चिंदी नेपोस। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।